सेम वही स्विच है और ये इसमें आप स्कैन करके भी आप सारी चीज देख सकते हो कि ओरिजिनल है या नहीं है। ये पूरा ऑटो फोल्ड वाला प्रॉपर पूरा स्विच है। ओवर गेम की भी है, निकाल के आपको दिखाए भाई, पुराना वाला नहीं लगेगा, नया है, नई गाड़ी है, नया ही लगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले तो इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जैसे अल्फा में आपको टॉप मॉडल में मिलता है। हाँ। और एयर बैग वाले सीट कवर से भी फायदा ये होगा ना कि आपकी एयर बैग सेफ्टी रहोगी, अगर बाय चांस कभी दुर्घटना होती है तो आपका ये एयर बैग बाहर आ जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, उससे सीट कवर बनाया जाता है और वो हमें पता है। आप पिछली वीडियो में जाके देखोगे, हमने i20 हो गई, इको स्पोर्ट हो गई, इन सब सीट कवर में एयर बैग लगा के दिखाया है। और बस ये है कि ना शायद इंडिया में फर्स्ट कंपनी होगी कि एयर बैग वाली सीटें दे रही है लेकिन उसमें सीट कवर नहीं दे रही। हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण तिवारी ऑटो इनिक की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो में। और जैसे आज आप देख रहे हो थोड़ा सा पीछे माहौल कुछ और, कुछ नया माहौल है, तो आज एक बेहतरीन चीज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से हमारी जो न्यू बलिनो, न्यू जनरेशन बलिनो आई है, उसके सीट कवर यहाँ पे रेडी करने में हम लगे पड़े हैं। अभी थोड़ा सा टाइम हो गया, लेट हो गया, फिर भी हम रेडी करने के लिए लगे पड़े हैं क्योंकि मुझे पता है बलिनो की भीड़ जो है वो बहुत तगड़ी आने वाली है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है। हमने टाटा पंच में पिछले 6 महीने में बहुत अच्छा काम किया और वही काम, बहुत अच्छा काम हम न्यू बलिनो में भी करने वाले हैं आगे। तो आपके लिए ना प्रॉपर तरीके से पूरी अभी मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊंगा, किस तरीके से सारे सीट कवर की कटिंग होती है, सारे बनते हैं, जिससे आपको ना थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन वगैरह, थोड़ा सा भी कुछ भी होगा ना वो सब कुछ चला जाएगा। प्लस इसमें ही मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि जो ऑटो फोल्ड ORVM आते हैं हमारे टॉप मॉडल वाला, अल्फा वाला, वो किस तरीके से आप अपनी बलिनो में किसी मॉडल में सिग्मा से लेके जेटा तक किसी में भी आप इंस्टॉल करा सकते हो। तो थोड़ा सा पहले दिखाता हूँ सीट कवर के इंस्टॉलेशन की, किस तरीके से सीट कवर आप लगवा सकते हो, सीट कवर किस तरीके से रेडी होते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने यूनिट में। तो थोड़ा दिखाते हैं, चलते हैं और जानते हैं भाई से कि किस तरीके से। और नई चीज लेके आया हूँ आपको न्यू बलिनो के लिए, जो आज हमारे यहाँ पे आप दो दो बॉक्स देख रहे हो ना, ये अनबॉक्सिंग एक तरीके से हो गई है। ये हमारे बलिनो है 2022 का जो बलिनो है, न्यू बलिनो, उसमें जो अल्फा मॉडल है और अल्फा मॉडल में जो ऑटो फोल्ड वाले जो ORVM आते हैं वो आप किसी भी मॉडल में लगवा सकते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो दोनों बॉक्स की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा प्लस ओरिजिनल स्विच के साथ। आप इसमें देख रहे हो, अभी मैंने इसको फाड़ के भी निकाला है, मारुति सुजुकी ओरिजिनल स्विच है ये। ये देखिए, जैसे पुराना स्विच आता था सेम वही स्विच है। और ये इसमें आप स्कैन करके भी आप सारी चीज देख सकते हो कि ओरिजिनल है या नहीं है। ये पूरा ऑटो फोल्ड वाला प्रॉपर पूरा स्विच है, जिसे आप ऑटो एडजस्ट और ऑटो फोल्ड दोनों कर सकते हैं। और थोड़ा सा ओवर गेम की भी है, निकाल के आपको दिखाए भाई, पुराना वाला नहीं लगेगा, नया है, नई गाड़ी है, नया ही लगेगा। इसके लिए नया है प्रॉपर, और नया मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले तो इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जैसे अल्फा में आपको टॉप मॉडल में मिलता है कंपनी से। और प्लस आगे की तरफ अगर लेके जाऊं तो आगे प्रॉपर पूरी फिनिशिंग के साथ, प्लस कपलर टू कपलर, और जो इसकी इंस्टॉलेशन भी है ना वो भी मारुति से ही बंदा आके आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करेगा, जो मारुति से पर्सन आएगा वही। एक ये हो गया जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है, इसके बाद मैं आगे दिखाऊं इसमें, ये हमारा राइट हैंड साइड है। इसकी देखो पहले तो बॉक्सिंग इसकी बेहतरीन हुई है ना, ये देखिए, ये दूसरी साइड, तो दोनों साइड का आ चुका है। कभी भी आ जाइए, कोई से भी गाड़ी, कोई सा भी मॉडल, जीटा आपका, सिग्मा, कोई सा भी मॉडल आप लेके आ जाइए। बेस मॉडल तीनों मॉडल में नहीं आते हैं, ये सिर्फ एक टॉप मॉडल में अल्फा में आता है, तो तीनों में आपके पास ऑप्शन है। कभी भी आप आइए, ऑटो यूनिक का नंबर आपको नीचे मिल रहा है, लोकेशन आपको नीचे मिल रही है, कभी भी आ जाइए, कभी भी हो जाएगा ये 7 डेज। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये अपनी फैक्ट्री है और यहाँ पे सारा का सारा जो जितना भी सीट कवर काम होता है ना, सारा काम भाई यही होता है, पूरा का पूरा फैक्ट्री है ये। और पूरी 1, 2, 3 अभी कुछ मशीनें यहाँ लगी है, कुछ मशीनें दूसरी फैक्ट्री में लगी हुई है। और ये अपना पूरा जो सीट कवर कटिंग का पूरा है, ये कुछ ऐसा तामझाम है जो इसमें लगा रखा है हमने, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी रखी है, मैक्सिमम लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा, पर मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छे से समझ में आएगा, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये क्या है भाई, ये एक फर्मा है। फर्मा क्या किस चीज को बोलते हैं, जैसे कि एक इंसान के कपड़े का साइज होता है ना 42 या 44, ऐसी बलिनो की हमारा ये फर्मा है। और ये प्रॉपर फर्मा है, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे पीसेस में होता है और ये पूरा का प्रॉपर तरीके से पूरा फर्मा है। अब भाई ना गाड़ी नहीं आ गई, नहीं आई है तो फर्मा कैसे मिलेगा लोगों को। तो ये हमारा भाई है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो? बलिनो के वो भी एयरबैग,
एयरबैग वाले सीट को कटिंग कर रहे हो, तो ये ऐसे ही कैसे कटिंग होते हैं, थोड़ा सा बताओगे कैसे कटिंग कर रहे हो भाई? प्रॉपर जो इंच इंच होता है उसका पैटर्न उतारा जाता है, और वही प्रॉपर मतलब ये मान लो एक इंच भी हम बढ़ा नहीं सकते, प्रॉपर इंच टू इंच जो जिसे कहते हैं ना जीरो टू जीरो फिटिंग, वो वैसे ही आती है। देखो आप कहते हो ना मैक्सिमम टाइम की भाई रिंकल तो नहीं आएगा, या फिर कुछ ढीला डाला तो नहीं लग जाएगा, या बकेट फिटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे अपनी फ्रंट सीट होती है ना, फ्रंट सीट का जो साइड का पैनल होता है ये वो वाला है, और ये प्रॉपर उसी हिसाब से पैनल काटा। ये देखो पूरा ना शेप, पूरा कटिंग करके पूरा शेप से कटिंग होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, दिखाने का मकसद ये है कि देखो ये ना कोई एक सीट कवर नहीं कट रहा है, एक साथ लगभग 8 सीट कवर कटते हैं। आप इसमें देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो अभी ये ना 12 जो है ये लगभग 6 सीट कवर के पूरा का पूरा ये एक एक ऐसा। और देखो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो ये जो है ना ये ओरिजिनल कंपनी का ही है जिसके से पूरा कट रहा है। तो भाई इम्पोर्टेंट ये है कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं नहीं आई है तो फर्मा कहाँ से आएगा, और फर्मा नहीं आएगा तो प्रॉपर तरीके से कटिंग होगी, प्रॉपर तरीके से लगेगा कैसे? तो ऑटो यूनिक सबसे पहले ये चीजें आपके लिए अवेलेबल करता है कि क्योंकि आप जब आज सीट कवर लगाओगे ना तो 5 साल, 7 साल, 10 साल अच्छे से चला सको, सिर्फ इसीलिए। अच्छा एक चीज और बताओ कि ये जो कह रहे हैं एयरबैग वाले, इसका क्या मतलब है? एयरबैग क्या है, एयरबैग एक बार बताओगे भाई? ये अपना सिग्मा और जो उससे ऊपर वाला मॉडल है उसमें दो एयरबैग आते हैं, एक आपको स्टीयरिंग पे अल्फा, हाँ दो एयरबैग आते हैं, स्टीयरिंग पे मिलेगा आपको और एक आगे डैशबोर्ड पे मिलेगा। हाँ जी, लेकिन जो अल्फा और जेटा है उसके अंदर टोटल 6 एयरबैग है। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि भैया उसमें सीट कवर नहीं मिलेगा क्या, हम बस उसी को चीज को ध्यान में रख के एयरबैग वाले सीट कवर इंस्टॉल मतलब तैयार कर रहे हैं अभी तो, और आपको अगली वीडियो में इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, कभी भी ऐसा भगवान न करे कभी हो, कभी भी बाई चांस कुछ दुर्घटना होती है तो क्या है, बाहर से आप ये विदाउट एयरबैग वाले सीट कवर लगाते हो ना तो एक ब्रेक आपके ढक जाएंगे, तो 50-60 हज़ार रुपए जो एक्स्ट्रा कंपनी ने आपसे लिए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और एयरबैग से फायदा होगा ना, किस चीज के 50-60 हज़ार रुपए? एयरबैग प्लस आपकी वारंटी के, वारंटी के। और एयरबैग वाले सीट कवर से लिया फायदा ये होगा ना कि आपकी एयरबैग सेफ्टी होगी, अगर बाय चांस कभी दुर्घटना होती है तो आपका ये एयरबैग बाहर आ जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है सीट कवर बनाया जाता है, और वो हमें पता है, आप पिछली वीडियो में जाके देखोगे हमने I20 हो गई, इकोस्पोर्ट हो गई, इन सब सीट कवर में एयरबैग लगा के दिखाया है। और बस ये है कि ना शायद इंडिया में फर्स्ट कंपनी होगी कि एयरबैग वाली सीटें दे रही है लेकिन उसमें सीट कवर नहीं दे रही, क्योंकि आप अपना जितना भी पास देखोगे ना जो भी एयरबैग वाले सीट कवर आते हैं सीटें आती है उसमें कंपनी ही सीट कवर इंस्टॉल करके देती है, चाहे आप I20 आस्ट्रा मॉडल देख लो, इको स्पोर्ट देख लो, अपनी एसक्रॉस देख लो, इन सब में एयरबैग आता है सीटों में लेकिन कंपनी ही सीट कवर लगा के देती है। शायद पहली गाड़ी होगी इंडिया की जिसमें एयरबैग आ रहा है सीटों में लेकिन कंपनी सीट कवर लगा के नहीं दे रही है, और उसी चीज को ध्यान में रख के एयरबैग वाले सीट कवर कट रहे हैं। हम चाहते तो पहले दिन ही आपको सीट कवर की वीडियो दिखा सकते थे लेकिन कुछ सोच थी कि कुछ अलग करना है तो बस एयरबैग वाले सीट कवर के चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। ठीक है भाई, तो देखो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहली चीज नॉलेज, दूसरी चीज नॉलेज को किस तरीके से आपके सामने देना है, और तीसरी चीज क्या सही हो पा रहा है नहीं, तो सब कुछ मैटर करता है। तो देखो जो इंसान इसके इस फील्ड में 8 साल 10 साल से है, और सिर्फ है नहीं प्रॉपर तरीके से कर रहा है काम, हर चीज की नॉलेज ले रहा है, प्लस एयरबैग वाले सीट को किस तरीके से रेडी होते हैं वो सारी चीज जानने के बाद करने के बाद आपको पूरी श्योरिटी के साथ ये चीजें दे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये आज ऑटो यूनिक ना सिर्फ आपको एक सीट का डिलीवर नहीं कर रहा है, एयरबैग वाले सीट का डिलीवर कर रहा है, और ये देख रहे हो पूरी कटिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग के साथ दे रहा है आपको हर चीजें। तो इम्पोर्टेंट हर एक चीज मैटर करती है, देखो प्राइस तो नो डाउट मैटर करता है, और प्राइस के बिना मैं कहूंगा ऑटो यूनिक पे आओ ही मत अगर प्राइस आपको नहीं समझ में आ रहा तो। लाइफ टाइम जैसे अगर 15 साल की गाड़ी चलाता है 15 साल की वारंटी, देख लो भाई, देखो फिर मैं बार बार कहता हूँ कि रिपेयर करके नहीं देंगे, सीधा रिप्लेस करके देंगे। तो इम्पोर्टेंट आपका ये भी है कि सीधा आपको रिप्लेस हो जाएगा ये, ठीक है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ और बार बार आज फिर यही बोल रहा हूँ, ठीक है। सीट कवर में तो भाई ऑल ओवर इंडिया किसी से भी चैलेंज कर लो, कोई मुकाबले में नहीं है, ये जितनी चीजें रखी है ना। और ये तो भैया अभी ये नई फैक्ट्री है, नया शॉप है जहाँ पे छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये बने हुए सीट कवर रखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे बलिनो के भी, क्रेटा, सेल्टोस, इसके आपके टाटा पंच, ये देख रहे हो जितनी भी है सारे टाटा पंच के, और ये एक एक सिर्फ सैंपल है, ये सारा टाटा पंच का ही है, ये भी टाटा पंच का ही है, ये भी टाटा पंच का ही है। तो ये सारा इसके क्रेटा सेल्टोस वगैरह, ये देखो ये हमारा सिलेरियो का है, इसके बाद मैग्नाइट का है, ये नीचे पंच का है, तो सारे सीट कवर ये सारे सिर्फ सैंपल है, एक एक पीस का सैंपल है। और ये देखो यहाँ पे तो आपको सिर्फ कपड़ा रखा हुआ है, ये सारा आपको कपड़ा है इम्पोर्टेंट लेदर में, और सारे कलर
देखो ब्लू कलर ये रहा, इसके बाद ये देखो चॉकलेटी कलर ये रहा, इसके बाद आगे लेके चलूं यहाँ पे सारे ही कलर है एक तरीके से देख लो। और जो थाईलैंड वाला कपड़ा कहते हैं ना भाई, वही कपड़ा है ये, मेड इन थाईलैंड वाला। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, इम्पोर्टेंट ये है कि डिलीवर आपको क्या चाहिए हो रही है। कस्टमाइज करके इम्पोर्टेंट ये, कस्टमाइज करके हो जाएगा। और ये जो हम कहते हैं ना, ये देखो ये रहा हमारा लेमोनेशन वाला कपड़ा, वो ये है देखो, इसके ऊपर पूरा लेमोनेशन होता है और इस तरीके से पूरा रोल होता है। ये फोम अलग से नहीं लगाया जाता, उसमें पूरा होता है। और ये जो फोम है ये 19 mm 17 mm की पूरी फोमिंग होती है, इसमें जो फोमिंग की जाती है ये अपना मशीन है, इस पे सारा बनता है ये। तो रात का टाइम हो गया थोड़ा सा, इसलिए अभी देखो भाई एक एक चीज। अब मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि जब ऑटो यूनिक आपको धागा सुई सब चीजें, एक जो ये धागा होता है ना इतना पतला सा, एक चीज अपनी चीज और आप दिखा के काम कर रहे हैं ना, तो इम्पोर्टेंट ये है कि डिलीवर क्या चीजें कर रहे हैं। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ना ये चीज देख के ना बहुत खुश भी होंगे, पर बहुत सारे लोग मायूस भी होंगे कि भाई क्यों दिखा रहे हो ये सारी चीजें। तो देखो जो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराता है ना, मुझे पता है वो उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है सारी गाड़ियां। तो देखो ये पूरी कटिंग सामने हो रही है, इस तरीके से पूरा फर्मे के साथ ऐसे कटिंग होता है। तो भाई अगर सच में कराना चाहते हो एक बेस्ट काम, एक अच्छा काम जो लाइफ टाइम आपकी गाड़ी में रहे, लाइफ टाइम वारंटी के साथ, तो ऑटो यूनिक पे एक बार जरूर विजिट करो, एक बार जरूर कॉल करो। ओरिजिनल एसेसरी से लेके हर एक एसेसरी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, प्लस किफायती रेटों पे। ऐसा नहीं है कि दे कुछ भी रहे, रेट कुछ भी ले रहे हैं, जो चीज दे रहे हैं उसी का रेट, यहाँ कि उससे कुछ कम रेट, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। इतना तो समझ सकते हो मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक जाने में कितना बड़ा मार्जिन होता है, और वो सारा मार्जिन खत्म करके सीधा आपके पास आए हैं। तो 100% हर चीजें बेस्ट चीजें देंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छी वीडियो लगती है तो मैक्सिमम लोग तक शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।